गुड मॉर्निंग। आज जोरदार बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। देखिए कितनी जोरदार बारिश हो रही है। उधर लबालब पानी भरा हुआ है। ये है बारिश की बूंदें जो हमारे घर में जहां तहां से टपकते हैं। आज बनाएंगे प्याज के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर रोस्ट हो रहे हैं। चटनी बनाने के लिए लिए हैं टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, चीनी, नमक और सरसों तेल। ये लगभग 1.5 चम्मच जैसे अरवा चावल है जिसे मैंने भिगो दिया था, इसे भी पीस लेंगे। प्याज को छील के धो लिए हैं, अब काट लेते हैं। यहाँ पर लिए हैं प्याज, बेसन, पिसा हुआ चावल और नमक।
इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना थिक रखना है। अब इस तरह से गोला बना के गरम तेल में डालते जाएंगे। हाफ फ्राई करके इसको चिपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको वापस तेल में डालेंगे। प्याज के पकोड़े रेडी हैं। बरसात में आप भी इस तरह से बनाइए, गर्मा गर्म खाइए और खिलाइए। आज का वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।